कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस के कार्यकर्ता ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार एमपी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 8 से 10 सीटें आएंगी। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस ही चला रही है, तभी तो कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 8 से 10 सीटें आएंगी। उनका कहना है कि मैं कभी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटाऊँ। पार्टी ने जहाँ जहाँ और जब जब चुनाव लड़ाया है मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का ये मत है कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाए। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए सर्वे करा लिया है, जल्दी ही कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। देखिए, मैंने कभी चुनाव लड़ने से पीठ नहीं दिखाई, आज तक इतिहास गवाह है। मुझे कैलाश जोशी जी के खिलाफ लड़ाया मैं लड़ा, मुझे नीतीश भारद्वाज के खिलाफ लड़ाया मैं लड़ा, मुझे प्यारेलाल खंडेलवाल जी के खिलाफ लड़ाया मैं लड़ा, सुषमा जी के खिलाफ लड़ाया मैं लड़ा, कभी पीठ नहीं दिखाई है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चुनाव हम ही लड़ें। बहुत काबिल और बड़े अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं और पार्टी ने सर्वे किया है, संगठन जिनको टिकट देगा वो लड़ेंगे, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। और आप ये 400 पार 300 पार ये सब आप भी जानते हैं संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश में भी आएंगी और आएंगी। मेरा अनुमान है 8 से 10 सीट आएंगी और उसमें हमको सबको मिलकर लड़ना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।